हे दोस्तों, मैं हूं साइरस फ्रॉम healthysyrus.com और आज का वीडियो बहुत स्पेशल है। आज का वीडियो भी एक मेरी कहानी है जिसमें मैं बताऊंगा कौन सी ऐसी तीन हैबिट्स थी जिसने मेरी ज़िंदगी बदल के रख दी। ऐसी तीन हैबिट्स थी जो आपस में जुड़ी हुई थी, तीन ऐसी हैबिट्स थी जिन्होंने मेरा दुनिया को देखने का नज़रिया बदल दिया और दुनिया ने अपना नज़रिया बदल दिया मुझे देखने का। तो शुरू करते हैं दोस्तों, अगर आप पहली बार आएँ तो चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। आप जब सब्सक्राइब करते हैं तो मुझे बहुत खुशी मिलती है, मोटिवेशन मिलती है, मुझे प्रेरणा मिलती है ताकि मैं और अच्छे हेल्थ और न्यूट्रिशन को लेके वीडियोस बना सकूं। सो दोस्तों, जो मेरी पहली जो हैबिट थी जिसने मेरी ज़िंदगी बदल के रख दी वो थी नॉलेज। दोस्तों, इस ज़िंदगी में आपको हर कोई छोड़ के जा सकता है, लेकिन जो ज्ञान है, जो नॉलेज है, वो आपको कभी नहीं छोड़ सकती। तो मैंने हेल्थ, न्यूट्रिशन, एक्सरसाइज के बारे में पढ़ना शुरू कर दिया। मैंने डिटेल्स में स्टडी करनी शुरू कर दी। मैंने पढ़ना शुरू कर दिया प्रोटीन क्या होता है, इससे क्या फ़र्क पड़ता है, प्रोटीन किस तरह का होता है, किस टाइप्स का होता है, कार्बोहाइड्रेट्स क्या होता है, किस टाइप्स के कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, फैट क्या होता है, बॉडी में फैट जाने से क्या होता है, फैट क्यों खाना चाहिए। मैंने डिटेल्स में स्टडी करना शुरू कर दिया और उसके बाद फिर मैंने एक्सरसाइज से रिलेटेड हाइपरट्रॉफी और बॉडी बिल्डिंग के बारे में पढ़ना शुरू कर दिया। अब मैंने अलग अलग जो टर्म्स थी वो पढ़ना शुरू कर दिया, जिसमें मसल माइंड कनेक्शन क्या होता है, और मैंने पढ़ना शुरू किया टाइम अंडर टेंशन क्या होता है, टेक्निक क्या होती है, पॉजिटिव नेगेटिव्स क्या होते हैं, कार्डियो आपको कब करना चाहिए, कब नहीं करना चाहिए, पूरी डिटेल्स में पढ़ना शुरू कर दिया। तो मैंने न्यूट्रिशन के बारे में पढ़ा, मैंने एक्सरसाइज के बारे में पढ़ा, हेल्थ फिटनेस से रिलेटेड मैंने सारी डिटेल्स पढ़नी शुरू कर दी। ये मेरी पहली हैबिट थी दोस्तों। जो ज्ञान होता है दोस्तों, ज्ञान हमेशा आपके साथ रहता है और कभी आपको छोड़ के नहीं जा सकता। तो अब इस हैबिट ने बाकी दो हैबिट को किस तरह से बदल दिया मैं आपको बताता हूँ। जो सबसे नंबर वन मेरी हैबिट थी वो ये थी, मैंने ऑनलाइन पढ़ना शुरू कर दिया। डिपेंड करता है आप कहाँ से पढ़ रहे हैं। bodybuilding.com वेबसाइट है और Wikipedia में पढ़ सकते हैं, और आपको काफ़ी सारे लोग हैं YouTube पे जो आपको सिखा सकते हैं। गुरुमान सर ने बहुत मदद की मेरी, मैंने उनके वीडियोज़ देखे, लेकिन मैंने कभी भी उनको अंधभक्त की तरह फॉलो नहीं किया, ये बात हमेशा याद रखना। दुनिया में बहुत सारे लोग हैं, आपको YouTube पे भी मिल जाएंगे, वैसे भी मिल जाएंगे, आपकी पर्सनल लाइफ में मिल जाएंगे, लेकिन कभी भी किसी को अंधभक्त की तरह नहीं फॉलो करना चाहिए। आपको अपनी नॉलेज हमेशा बढ़ानी चाहिए दोस्तों, अपनी नॉलेज हमेशा बढ़ानी चाहिए। जब मैं ऑनलाइन पढ़ता था Omega-3 के बारे में, जैसे पढ़ा, जब मैंने इसके बारे में पढ़ा और मैंने उसके बाद गुरुमान सर का वीडियो देखा, तो मैं काफ़ी ज़्यादा कनेक्ट कर पाया। मुझे समझ आ गया कि वो जो उनके वीडियोज़ हैं बहुत अच्छे हैं। तो गुरुमान सर ने मेरा बहुत साथ दिया, मुझे बहुत मेरी जो नॉलेज थी उसको बढ़ाने में बहुत मदद की। तो ये मेरी पहली हैबिट थी जिसने दुनिया को देखने का नज़रिया बदल दिया मेरा। और जो सेकेंड हैबिट थी वो थी जिम ज्वाइन करना। दोस्तों, मुझे शुरू से बहुत शौक़ था जिम ज्वाइन करने का, लेकिन हम क्या होता है, हम यही सोचते रह जाते हैं कि हम जिम ज्वाइन करेंगे, हाँ अब जाएंगे, ऐसे कहते कहते हैं कई दिन लग जाते हैं, निकल जाते हैं, महीने निकल जाते हैं और साल निकल जाते हैं। आप यकीन मानेंगे, जब मैं 18 साल का था, मैं 12th क्लास में था, तब मैं 6 महीने के लिए मैंने जिम ज्वाइन किया। उसके बाद मैंने 10 साल तक जिम नहीं ज्वाइन किया, क्योंकि मैं हमेशा कहता था नहीं, मैं कॉलेज जाऊंगा तब जिम ज्वाइन करूंगा। जब कॉलेज ज्वाइन किया, मैंने सोचा नहीं, मैं यूनिवर्सिटी एक बार चला जाऊं, थोड़ी पढ़ाई मुश्किल है, पहले यूनिवर्सिटी चला जाऊं तब ज्वाइन करूंगा। जब यूनिवर्सिटी भी कंप्लीट हो गई मेरी, चंडीगढ़, पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़ से, फिर मैंने कहा नहीं, पहले मैं जॉब कर लूँ तब मैं जिम ज्वाइन करूँगा। तो मैंने जॉब भी ज्वाइन कर ली, तब मैं बहुत ज़्यादा बिजी हो गया, बहुत मसरूफ़ हो गया अपनी ज़िंदगी में। तो ऐसे ही वक्त निकलता गया, 10 साल ऐसे ही निकल गए दोस्तों, मैंने जिम ज्वाइन नहीं किया। मेरा वज़न हमेशा 60 किलो होता था तब, तो मैंने जिम ज्वाइन नहीं किया। हमेशा मैं सोचता था जाऊंगा, लेकिन नहीं ज्वाइन किया। दोस्तों, एक बात हमेशा याद रखना, चाहे नरेंद्र मोदी जी हो, मैं हूं या आप हो, सबके पास 24 घंटे हैं। उन 24 घंटों में से एक घंटा निकालना जिम के लिए कोई भी मुश्किल नहीं है। हमारे पास हमेशा बहुत सारे एक्सक्यूज़ होते हैं, बहुत सारे बहाने होते हैं, नहीं यार मैं अभी जॉब कर रहा हूँ, मैं ये कर रहा हूँ, मैं स्टडी कर रहा हूँ, मैं यूनिवर्सिटी में पढ़ाई कर रहा हूँ, मेरे पास वक्त नहीं है। दोस्तों, वक्त किसी के पास नहीं होता, वक्त निकालना पड़ता है। तो आपको मैं यही हिदायत दूंगा, तो आप एक घंटा जिम ज़रूर जाएँ। और मैंने जिम ज्वाइन किया। अब देखिए, मेरी सेकेंड हैबिट थी जिम जाने की, मुझे ऑलरेडी पता था, मैंने ऑलरेडी स्टडी किया हुआ था कि जिम जाने से, जब मैं पहली बार जिम जाऊंगा तो मुझे किस तरह से वर्कआउट करना है, पहले हफ्ते मैंने किस तरह से वर्कआउट करना है। फिर मैंने ये भी पढ़ा हुआ था कि मसल माइंड कनेक्शन
मोटिवेशन क्या होता है, जो जिम में मुझे बहुत मदद मिली, टाइम अंडर टेंशन क्या होता है, पॉजिटिव नेगेटिव्स क्या होते हैं, मैंने बहुत कुछ स्टडी किया इसके बारे में। अब मुझे जब मैं जिम गया तो मैंने बहुत जल्दी 6 महीनों में मैंने 20 किलो वज़न अपना इंक्रीज़ कर लिया। 60 किलो से मैं सीधा 80 किलो में पहुँच गया, तो मैं बहुत मस्कुलर हो गया था तब। तो देखिए, मुझे ये जो सेकंड हैबिट थी मेरी जिम ज्वाइन करना, फाइनली मैंने ज्वाइन किया। और जब मैंने जिम ज्वाइन किया, आप यकीन मानेंगे मैंने उसको छोड़ा नहीं। मैं हर रोज़ 1 घंटा ज़रूर निकालता हूँ जिम के लिए। जो मेरी तीसरी हैबिट थी वो थी न्यूट्रिशन। जब मैंने जिम गया, मेरा मुझे काफ़ी सारे इम्प्रूवमेंट्स मिले, तो मैंने अपनी न्यूट्रिशन पे फोकस किया। फिर मैं न्यूट्रिशन के बारे में ऑलरेडी पढ़ रखा था, फिर मैंने गुरुमान सर से भी कंसल्ट किया। मैंने किस तरह से वाइट राइस छोड़ दिए, मैंने किस तरह से वाइट ब्रेड छोड़ दी, नमक चीनी ये सब छोड़ दिया, मैंने ब्राउन राइस, मल्टीग्रेन ब्रेड और पीनट बटर, फ्लैक्सीड और एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल, ये सब मैंने यूज़ करना शुरू कर दिया। फिर उसके बाद मैंने सप्लीमेंट्स पर फोकस किया, क्योंकि दोस्तों आपकी जितनी मर्जी अच्छी हो आपकी डाइट, हमेशा याद रखिए सप्लीमेंट्स आपको बहुत इंपॉर्टेंट हैं। तो मैंने जो 3 सप्लीमेंट्स लिए, मैं वही बताऊंगा दोस्तों। वे प्रोटीन लेना शुरू कर दिया मैंने, और मैंने मल्टीविटामिन लेना शुरू कर दिया, और मैंने फ़िश ऑयल लेना शुरू कर दिया। जैसे कि मैंने इन सब के बारे में ऑलरेडी पढ़ा हुआ था, और गुरुमान सर ने मेरी बहुत मदद की इस जर्नी में, इस सफ़र में। मेरे हम सफ़र रहे गुरुमान सर, उनसे हमेशा मेरी बात होती रहती है और वो हमेशा मदद करते हैं। तो दोस्तों ये था कि अब मैं बताता हूँ, बहुत सारे लोग मुझे पूछते हैं कि सर फ़िश ऑयल, मल्टीविटामिन और वे प्रोटीन लेने का सबसे अच्छा वक्त कौन सा है, कैसे लेना चाहिए, तो वो भी आपको बता देता हूँ। ये सारे जो ब्रांड्स हैं जो मैंने यूज़ किए हैं, मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, आप लिंक चेक कर सकते हैं, खरीद सकते हैं अगर आप चाहें तो। मल्टीविटामिन लेने का सबसे अच्छा वक्त है आप जब ब्रेकफास्ट या लंच करते हो, उसके बाद ब्रेकफास्ट या लंच लेने के एकदम बाद आप ले सकते हो, पानी के साथ ले सकते हो। डोजेज जो होती है हर ब्रांड की अलग होती है, हर डोजेज जो होती है उस बॉटल पे लिखी होती है, हर ब्रांड पे लिखी होती है आपको कितनी टैबलेट्स लेनी है। किसी ब्रांड में एक ही टैबलेट लेनी होती है मल्टीविटामिन की, किसी की 2 लेनी होती है। ऐसे ही फ़िश ऑयल है, फ़िश ऑयल आप ब्रेकफास्ट या लंच के बाद ले सकते हो। मैं हमेशा लंच के बाद लेता हूँ ब्रेक मल्टीविटामिन और फ़िश ऑयल, पानी के साथ आप ले सकते हो। वे प्रोटीन लेने के 2 सबसे बेहतरीन टाइमिंग होती हैं, एक तो जब आप सुबह उठते हो खाली पेट होते हो, उस वक्त हमारा प्रोटीन सिंथेसिस बहुत ज़्यादा होता है, तो उस वजह से आप जब सुबह उठते हो खाली पेट आप वे प्रोटीन 1 स्कूप ले सकते हो। या दूसरा सबसे अच्छा टाइम है वर्कआउट के बाद। अगर आप वर्कआउट नहीं करते हो, जिम नहीं जाते हो, तो आप कोई भी फिजिकल एक्टिविटी करते हो, आप स्पोर्ट्स खेलते हो या आप सैर करके आते हो या कार्डियो करते हो, उसके बाद आप ले सकते हैं। सो ये सबसे अच्छे टाइमिंग हैं। सो दोस्तों ये जो थी मैंने वीडियो, मेरी खुद की जर्नी है किस तरह से जो 3 सप्लीमेंट्स हैं इन्होंने मेरी ज़िंदगी बदल के रख दी। मेरा जो मेटाबॉलिज्म फास्ट हो गया, मसल मास मेरा बढ़ गया, मेरा फैट कम हो गया, मेरी स्किन ग्लो करने लग गई, मेरा बालों का टेक्सचर बेटर हो गया, मेरी फैट परसेंटेज कम हो गई, मेरा डाइजेशन इम्प्रूव हो गया, ओवरऑल मेरी लाइफ इम्प्रूव हो गई। अब दुनिया को जो देखने का नज़रिया मेरा बहुत पॉजिटिव हो गया, दुनिया भी मेरी तरफ जब देखती है उनका नज़रिया डिफरेंट हो गया। 60 किलो से 80 किलो तक मैं पहुंच गया, फिर उस 80 किलो के बाद मैंने 75 किलो पे आ गया, अभी मैं 75 kg वेट हूँ है मेरा। सो ये मेरे वीडियो बनाए किस तरह से, ये मेरी 3 जो हैबिट्स थी जिन्होंने मेरी लाइफ बदल के रख दी। मैं बहुत अच्छा फील करता हूँ, बहुत एनर्जेटिक फील करता हूँ। मैं जब जिम में जाता हूँ देखता हूँ 20-21 साल के जो बच्चे होते हैं वो बहुत जल्दी थक जाते हैं, हालांकि मैं बिल्कुल भी नहीं थकता हूँ, मज़े से एंजॉय करता हूँ। दोस्तों एक बात हमेशा याद रखना, दोस्तों मैं एक आपको पॉइंट बताना चाहता हूँ, अगर आप 24 घंटे फिटनेस के बारे में सोचते हैं तो वो भी अपने आप में एक बहुत बड़ी सिकनेस है। तो ज़िंदगी में हर चीज़ को एंजॉय कीजिए, अगर आप कोई खाना खाते हैं तो उसको एंजॉय करके खाइए, तभी उसका बेनिफिट हो सकता है, तभी आपको मज़ा आ सकता है। तो ज़िंदगी में आप चीट मील ज़रूर लीजिए, मैं वीकेंड में एक बार एक चीट मील ज़रूर लेता हूँ। और ये मेरा वीडियो था दोस्तों, अगर आप चाहते हैं मैं किसी और टॉपिक पे वीडियो बनाऊं, या आपके पास कोई ऐसा ब्रांड है जिस आप चाहते हैं मैं उस पर रिव्यू करूं, तो आप मुझे बता सकते हैं, मैं उस पर वीडियो बना सकता हूं। और इसी तरह से मैं दोस्तों अपनी जर्नी, अपने खुद के एक्सपीरियंस बताता रहता हूँ, फ़िटनेस को लेके अपने एक्सपीरियंस शेयर करता रहता हूँ दोस्तों। और यही मेरा एम है कि आप जिस तरह से मैं ग्रो कर रहा हूँ आप भी मेरे साथ ग्रो कीजिए। और हमने 60,000 सब्सक्राइबर पार कर लिए हैं, आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ, मुझे बहुत खुशी होती है, बहुत अच्छा लगता है जब आप लोगों के कॉमेंट्स पढ़ता हूँ।
toes. Thank you so much once again for all this love and support. Keep growing and spread the love. Thank you. Take care.